नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित यूपी टेट की परीक्षा 8 जनवरी 2020 को संपन्न हो गई। प्रथम पाली में प्राइमरी सेक्शन के लिए परीक्षा हुई और दूसरी पाली में जूनियर सेक्शन के लिए। जूनियर सेक्शन के लिए आज हम लोग गणित के क्वेश्चनों का व्याख्यात्मक हल देखेंगे इस वीडियो में। प्राइमरी सेक्शन के लिए मैं वीडियो ट्रिपल एस पॉइंट पर ऑलरेडी डाल चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से ये समझेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पर आधारित है और कैसे किया जाएगा, और आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि उसका उत्तर क्या सही होगा। बहुत से YouTube पर अपलोड वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चनों के उत्तर भ्रामक बताए जा रहे हैं, गलत बताए जा रहे हैं, जिसका समाधान इस वीडियो में बखूबी ढंग से किया गया है। तो इसलिए शुरू से अंत तक ये वीडियो जरूर देख लिए देखिए। मैं एक बात के लिए आपके क्षमा मांगूंगा कि चूंकि व्याख्यात्मक हल देने में ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है, मैं आपके धैर्य के लिए सराहना करूंगा और प्रशंसा भी करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखने में मेरी सहायता किए हैं और मेरा साथ दिए हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चनों का हम लोग हल इस वीडियो के थ्रू देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। इस पेपर में जो मैंने यूज किया है उसमें क्वेश्चन 91 से स्टार्ट है। तो 91 में दिया हुआ है कि एक समीकरण y बराबर 7x-2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसके दो हल हैं, इसके अनंत हल हैं, इसके कोई हल नहीं है, इसका एक अद्वितीय हल है। तो देखिए, आप एक चीज जानते रहिए, यहां पर y बराबर 7x-2 दिया है। अब देखिए, x की आप कोई भी वैल्यू रखें, x की आप कोई, जैसे x का आपने 1 ले लिया तो ये 7-2 = 5, यानी y की वैल्यू 5 आ गई। अगर x को आपने 2 ले लिया तो देखिए 7 × 2 - 2, यानी 14 में से 2 निकल गया, 12 हो गया। x को आपने 3 ले लिया तो 7 × 3 = 21 - 2 = 19 आ गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि x की जो भी आप वैल्यू लेंगे y का एक अलग मान आएगा, और x की जो भी आप वैल्यू लेंगे तो x की अनंत वैल्यू ले सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का अनंत हल हो सकता है, कोई एक अद्वितीय हल इसका नहीं होगा। ये अद्वितीय हल तब होता है जब दो समीकरण दिए रहते हैं, यानी x y का ये एक समीकरण है और एक और दिया रहता, तब दोनों को हम लोग सॉल्व करते और x और y का वैल्यू निकालते, उस केस में इस क्वेश्चन का एक हल होता। लेकिन यहां पर दो हल दिया है, इसके अनंत हल, तो इसका सही आंसर होगा कि इस क्वेश्चन के, इस समीकरण के अनंत हल होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में दिया गया है कि 49^15-1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। 49^15-1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय व्हिच नंबर। इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें 50 है, 48 है, 29 है और 8 है, और ये ग्रुप में इनके आंसर्स दिए गए हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कि अगर कोई आड नंबर होता है, आड माने विषम संख्या, जैसे मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी आड नंबर हैं। आड नंबर का आप कोई भी पावर करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 कर दी तो ये 9 मिला। अगर 3 का पावर 3 करते हैं तो ये 27 मिला। अगर 3 के पावर 4 करते हैं तो ये 81 मिला। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी जो विषम संख्या का जो भी आप पावर करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो भी विषम होगी, वो भी विषम होगी। और किसी भी विषम संख्या से एक माइनस कर देने पर, जैसे मान लीजिए ये 3 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 एक सम संख्या है। 5 है, 5 विषम संख्या, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 एक सम संख्या है। तो किसी भी विषम संख्या में, विषम संख्या से 1 को अगर माइनस कर दिया जाए तो सम संख्या प्राप्त होती है। ये दो बातें आपने इस क्वेश्चन के लिए समझा। अब आइए जो मेन क्वेश्चन है उसको समझते हैं। ये 49^15-1 है, 49 एक विषम संख्या है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7^2
का पावर 15 माइनस 1, या इसको हम कह सकते हैं कि 7 के पावर 30 माइनस 1। अब देखिए 7 का जो भी हम पावर लेंगे, 1, 2, 3, 4 जो भी लेंगे, यहां पर जो संख्या मिलेगी वो विषम मिलेगी और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो वो सम हो जाएगी। तो मान लीजिए हमने 7 के पावर 1 लिया तो 7 मिल जाएगी और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 6 होगा। तो ये जो संख्या है 49 के पावर 15, ये जो है हमारे ये और उसमें से माइनस 1 माइनस कर देंगे तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर हम 7 के पावर 2 ले लें तो ये होती है 49 और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 48। देखिए ये 6 से डिवाइड हो रही है। अगर हम 7 के पावर 3 ले लें तो ये हो जाएगा, देखिए 7, इसमें 7 का एक और गुणा हो जाएगा तो 7 9 63, 6 और 7 4 28 और 6 34, ये 343 हो गया और इसमें से एक माइनस करेंगे तो 342 होगा। तो जो भी यहां संख्या मिलेगी वो सम संख्या मिलेगी और सम संख्या अगर मिल रही है तो वो 2 से डिविजिबल होगी। अब देखिए यहां पर ये जो संख्याएं मिल रही हैं 48 या 342 और इसके पहले आपने 6 देखा, ये सभी संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हैं और 2 से भी डिवाइड हो रही हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, अरे ये ऑप्शंस दिए गए हैं कि किससे डिविजिबल होगी, तो देखिए 8 से तो कतई नहीं होगी क्योंकि 8 से सारी संख्याएं डिविजिबल नहीं होगी, 8 से 6 डिविजिबल नहीं होगी, 29 से नहीं होगी। इसमें जो सबसे सही बात है कि वो नहीं, मैंने ये गलत किया, इसमें देखिए 8 से डिविजिबल होने का अर्थ यह है कि 2 से संख्या जो डिविजिबल होगी तो कोई जरूरी नहीं है कि 8 से होगी, लेकिन 8 से जो संख्या डिविजिबल होगी वो 2 से भी डिविजिबल होगी। तो ये देखिए 48 और 8 दिया है, तो इसमें जो है 48 में देखिए 8 भी मिलेगा और 6 भी मिलेगा, 8 6 48, यानी अगर 8 से डिवाइड नहीं हुई तो 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर जो संख्याएं आपको मिलेंगी, यानी जो 7 के पावर 30 संख्या मिलेगी, ये बड़ी संख्या मिल रही है, देखिए यहाँ के बाद सब संख्या बड़ी हो रही है, यानी 7 के पावर 2 जो इसको कर रहे हैं तो ये संख्या बड़ी हो रही है। अगर हम 7 के पावर 4 करेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो बड़ी होती जाएगी और वो बड़ी संख्या 8 और 6 दोनों से डिविजिबल होगी। तो एक इसमें आंसर दिया हुआ है 48, तो 48 से डिविजिबल होगी और 8 से, तो ये इसके 2 डिविजिबल वाले मिल गए, यानी 2 और 4, तो इसमें 2 और 4 यानी ये 4th वाला आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा इसका डिस्कशन करके समझा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि cos 135 इंटू साइन 210 डिग्री इंटू cos 150 डिग्री अपान साइन 270 डिग्री इंटू कास 315 डिग्री। इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं √3/4, √3, √3/2 और 1/√3। इस क्वेश्चन का जो वैल्यू दिया गया है, ये देखिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड वैल्यू में ये बदलेगा ताकि हम यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उसे लिख सकें। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए ये कास 135 दिया है इंटू साइन 210 डिग्री इंटू कास 150 डिग्री अपान साइन 270 डिग्री इंटू कास 315 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 135 डिग्री को कास 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। साइन 210 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और कास 150 को लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इसको कास 150 को हम लोगों ने लिख लिया। अब नीचे इसी प्रकार लिख सकते हैं कास साइन 270 को लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 90, और कास
315 को लिख सकते हैं cos 360 डिग्री माइनस 45। अब देखिए आपको मालूम है कि 90 प्लस थीटा यानी cos 90 प्लस 45 डिग्री ये साइन में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां माइनस लग जाएगा और साइन 30 डिग्री। इसी प्रकार cos 90 प्लस 60 डिग्री ये भी साइन में बदल जाता है, तो ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा अपान, यहां देखिए साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री है, तो ये साइन 180 के बड़ा होता है तो वो माइनस के साथ होता है, तो माइनस साइन 90 डिग्री हो गया, और cos 360 डिग्री माइनस 45 है तो ये नहीं बदलता है, तो ये cos 45 डिग्री हो गया। देखिए ऊपर भी माइनस है और नीचे भी है, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास जो ऊपर बचा है वो साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, और जो नीचे बचा है वो बचा है साइन 90 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। देखिए साइन 45 और cos 45 ये tan 45 हो जाएगा, और tan 45 का मान 1 हो जाता है, तो इन दोनों को हम 1 मान लेंगे। अब यहां पर देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो नीचे अब कुछ नहीं बचेगा, ये 1 हो गया और ये साइन के साथ टैग हो गया, तो ये इसका मान 1 हो गया। ऊपर अब बचा साइन 30 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री और इंटू साइन 60 डिग्री ये बच गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो देखिए √3/4 हो गया, तो इसका आंसर √3/4 होगा। तो यहां हम लोग देखेंगे कि √3/4 किसका आंसर है, तो देखिए यहां इसका पहला ही ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। इसके ऑप्शन है 729, 91, 9 और 7। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंजिक्यूटिव आर्ड नंबर इज 6723, देन स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलर नंबर इज। देखिए यहां पर सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि 6723 का फैक्टर करना पड़ेगा, 6723 का फैक्टर, तो इसको हम लोग देख लेंगे कैसे फैक्टर। तो 7 6 13 2 15 15 3 18, ये संख्या 9 से कटती है, तो इसको हम लोग 9 से काटेंगे, 9 गुणे, लेकिन 9 7 63, यहां से 4 बचेगा, और 9 4 36, 12 में से 6 निकलेगा, फिर 6 बचेगा और 9 9 7 63, तो पहली बार गया 9 7 63 और फिर 9 4 36 और 9 7 63। अब देखिए ये 9 गुणे ये संख्या हो गई 747। अब ये देखिए फिर भी 9 से कट रही है, 7 7 14 4 18, जो संख्या 9 से कटती है वो अंकों के योग को भी 9 से विभाजित करती है, तो देखिए फिर एक बार करेंगे 9 8 72, 8 बार, और यहां पर 2 बचेगा ये 7, और 9 3 27, और 1 9 यहां पर और आ गया, तो देखिए 9 9 81, ये 81 हो गया और ये 83 हो गया। और यहां पर दिया हुआ है कि दो सतत विषम संख्याएं, जो विषम संख्याएं हैं वो दो के अंतर पर होती हैं, जैसे 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, तो सतत मतलब निरंतर, यानी इसके बीच में कोई गैप ना हो, तो गैप जो होगा वो सम संख्या का है, लेकिन विषम संख्या ये निरंतर है, तो एक दूसरे के बीच इनका 2 का गैप होता है। यहां भी देखिए 81 के बाद जो अगली आपको विषम संख्या मिलेगी वो 83 है, तो जो कह रहा था कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल, तो यहां पर एक विषम संख्या 81 आ गई और दूसरी 83 आ गई, यानी 81 × 83 आ गई। अब कह रहा है कि उसमें से सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल है, तो सबसे छोटी संख्या 81 है, और 81 का वर्गमूल माने √9 होता है, 9 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि x² + px - q तथा 5x² - 3px - 15q का महत्तम समापवर्तक x-3 है, तो p और q का मान क्या होंगे, ये दिया हुआ है।
देखिए, एक तो तरीका ये है कि ये जो ऑप्शन में वैल्यू दिए गए हैं, इन वैल्यू को आप यहाँ सेटिस्फाई करा लीजिए। तो सेटिस्फाई कराने के लिए देखिए, यहाँ चार सब जगह है और एक जगह केवल माइनस चार है और 5-3 है हर जगह। इसका मतलब कि 5-3 और 4 तो इसके रूट्स होंगे ही, यानी इसको आप जब पी और क्यू की वैल्यू रखेंगे तो वो होंगे ही। अब बात यह है कि इसमें P की वैल्यू क्या होगी और Q की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी संख्या का अगर वो महत्तम समापवर्तक पूछा जाएगा, तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि दी गई संख्याओं को वो विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए ये 4 है और ये 6 है, तो 4 और 6 का जो मसप होता है वो 2 होता है। तो ये 2 है, ये 4 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। तो किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक उस संख्या को डिवाइड करता है, यही फैक्ट यहाँ पर इस्तेमाल होना है। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल हम लोग इसे करेंगे। देखिए, x माइनस 3 अगर इस इक्वेशन का, इस संख्या का फैक्टर है, HCF है, तो इसको ये संतुष्ट करेगा। तो इस इक्वेशन में यानी x स्क्वायर माइनस प्लस पी एक्स प्लस क्यू में x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, क्योंकि x माइनस 3 है तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, तो यहां 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 3x माइनस क्यू हो गया। तो देखिए, ये एक जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी 0 आ जाना चाहिए इसकी वैल्यू। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ये x की वैल्यू हमने रखा था, हमने इसे गलत लिख दिया है, यहां पर p होना चाहिए। तो अब इसे हम लोग लिखेंगे 3p माइनस क्यू बराबर माइनस 9। तो ये एक इक्वेशन हमको मिल गया। इसी तरह से x बराबर 3 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15 क्यू में रखेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q। अब इसमें 3 की रखेंगे तो देखिए यहां पर 9 आ जाएगा और 9 पांचे 45 और यहां पर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9p आ गया और यहां पर ये 15q बराबर 0 इसको हम लोग लिखेंगे। अगर हम लोग इसे 9 से काट, ये 3 से काट दें तो ये हो जाएगा 15 3 45, 3 3 9 और 3 5 15 क्यू आ गया। तो इसको हम लोग फिर लिख लें कि माइनस 3p माइनस 5q बराबर माइनस 15। अब माइनस सब जगह है तो माइनस को अगर हटा दें तो 3p प्लस 5q बराबर 15। यहां पर देखिए ये भी माइनस था और ये भी माइनस है, इसलिए सारे ये माइनस हो गए हैं और ये एक प्लस हुआ है तो प्लस को हम लोग इस साइड ले गए। ये माइनस 15 नहीं, यहां पर माइनस इधर जाएगा, माइनस हम लोगों ने हटा दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया दूसरा इक्वेशन। अब देखिए, इन दोनों को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहां पर 3p माइनस क्यू दिया है और ये आ गया माइनस 9। तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर लें। तो देखिए, अगर इसको हम लोग घटा देंगे तो ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा और यहां पर ये प्लस हो गया। तो 5 1 6 हो गया और 15 और 9 24 हो गया। तो 6q बराबर 24, तो क्यू बराबर 6 चौकी 24 यानी 4 आ गया। तो क्यू की वैल्यू 4 आ गई और क्यू की वैल्यू 4 मतलब जो बाद में वैल्यू दी है वही इसका आंसर होगा। तो देखिए, क्यू की वैल्यू ये माइनस 4 नहीं होगी तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। क्यू की वैल्यू 4 है तो ये और ये आंसर हो सकते हैं। अब पी की वैल्यू हम लोगों को देखना है कि पी की वैल्यू क्या आएगी। तो किसी इक्वेशन में इसे हम लोग रख देते हैं, तो इसी में रख देते हैं 3p माइनस ये क्यू है तो क्यू की वैल्यू आ गई है 4 और ये बाहर इधर जाके माइनस 9 तो इधर जाएगा। तो ये 3p बराबर जब इधर जाएगा तो देखिए ये 4 प्लस हो जाएगा और ये 9 है पहले से, तो ये माइनस 5 आ जाएगा। तो p बराबर माइनस 5/3, तो p की वैल्यू माइनस 5/3 हो गई और क्यू की वैल्यू 4। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में दिया है कि कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m गुणे एम प्लस टू गुणे एम प्लस फोर हमेशा विभाजित होगा। देखिए ये एक संख्या है और ये संख्या दी है m, m प्लस टू और m प्लस फोर। ये किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि जो भी वैल्यू रहती है वो सब प्लस होती है और एक से शुरू होती है, एक दो तीन चार, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो मान लीजिए कि हम m बराबर वन रखते हैं, m की वैल्यू वन रखते हैं, तो ये वन गुणे, यहां वन रखेंगे तो ये तीन हो जाएगा, यहां वन रखेंगे तो ये पांच हो जाएगा। तो देखिए ये एक संख्या है, पांच दिया पंद्रह, तो पंद्रह किससे विभाजित होगी, या तो पांच से होगी या तीन से होगी, ये विभाजित होगी। तो इसमें देखिए पांच भी दिया है और तीन भी दिया है। अब आगे चलते हैं, अगर m बराबर दो रखते हैं तो दो और दो दुना चार, तो ये चार हो जाएगी और यहां पर दो है तो ये छह हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या पांच से नहीं कट रही है, इसका मतलब कि ये तीन से कट रही है, तीन से विभाजित हो जाएगी, तीन दुना छह, चार दुना आठ, दुना सोलह, इसका भागफल आ जाएगा। अब m बराबर तीन रखते हैं तो तीन गुणे, देखिए यहां तीन रखिए और दो रखे तो पांच हो गया, तो पांच, और यहां पर तीन रखे तो ये सात। तो आप देखिए ये जो संख्या मिली हमको वो तीन पांच सात मिल रही है, इसका मतलब कि ये पांच, पांच से और तीन से जरूर डिवाइड हो रही है, लेकिन तीन से तो निश्चित, देखिए तीन से यहां भी डिवाइड हो रही है, तीन से ये भी, तीन से ये भी, इसका अर्थ है कि ये संख्या तीन से किसी भी परिस्थिति में डिवाइड होगी, यानी m के किसी भी मान के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए m बराबर हम एक दो तीन जो भी रखेंगे वो तीन से जरूर डिवाइड होगी। अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब m बराबर हम सम संख्या रख रहे हैं तो यहां पांच आ रहा है, देखिए m बराबर हम फोर रखें, फोर, तो यहां पर फोर गुणे, देखिए चार और दो छह हो गया, और यहां पर पांच और चार और चार आठ हो गया। तो देखिए अभी भी ये संख्या तीन से डिवाइड हो रही है, चाहे सम संख्या हम रख रहे हैं या विषम संख्या रख रहे हैं, तीन से ये हरदम डिवाइड हो रही है। तो इसका सही आंसर होगा तीन, तीन से ये संख्या सदैव डिवाइड होगी, हरदम डिवाइड होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है कि यदि 9 बटा 7 के पावर 3 गुणे 49 बटा 81 की पावर 2x माइनस 6 बराबर है 7 बटा 9 के पावर 9, तो यहाँ x की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर दिया है कि इफ 9 अपान 7 का रेज पावर 3 इंटू 49 अपान 81 का रेज पावर 2x माइनस 6 इक्वल 7 बाई 9 के पावर 9 है, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे जो कंसेप्ट इसमें यूज होगा कि कोई संख्या अगर ए है और इसका पावर एक्स है और ये बराबर है दूसरी संख्या बी, दूसरी संख्या ए और इसका पावर वाई, यानी बेस ये सेम है, बेस अगर सेम है तो इनके जो पावर होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। अगर इसको बेस कहते हैं, ये जो नीचे ए है, और एक्स को पावर कहते हैं यानी घात कहते हैं। तो जब दो संख्याएं बराबर हैं और उनका बेस समान है तो उनके घात समान हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट इसमें यूज किया गया। इसमें देखिए 9 बाई 7 का पावर 3 इंटू 49 बाई 81 का पावर 2x माइनस 6 बराबर 7 बाई 9 के पावर 9। यहां पर जो बेस संख्या है, देखिए ये भी 7 है और ये 9 है, यानी 7 का स्क्वायर ये 9 का स्क्वायर है, तो जो बेस संख्या है वो 7 बटा 9 है, लेकिन यहां उल्टा दिया हुआ है, यहां 9 बटा 7 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसे सीधा कर देंगे तो इसका घात में माइनस लग जाएगा, यानी हम इसे 7 बटा 9 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग सब इधर की जो चीजें हैं यानी लेफ्ट में जो चीज, जो संख्याएं दी हैं, इनको बेस एक समान करना चाहते हैं, क्योंकि राइट में जो संख्या दी उसका बेस 7 बाई 9 है, तो इधर भी सारी संख्याएं 7 बाई 9 के बेस में ही होनी चाहिए। तो अब ये पावर माइनस 3 हो गया, और यहां पर देखिए ये 7 का स्क्वायर अपान 81 का स्क्वायर और इसका पावर है 2x माइनस 6 और ये इधर है 7 बाई 9 की पावर
9। अब देखिए ये 2 को हम बाहर कर देंगे तो ये 7/9 में ये 9 है, सारी हमने ये गलत लिख दिया है, यहां पर ये 9 है, 9 की पावर 2, तो ये 7/9 है, इसका पावर -3 है, और ये हम बाहर कर देंगे तो ये इसमें गुणा हो जाएगी जाके, तो 7/9 के पावर -3 इंटू 7/9 के पावर, अब देखिए ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा तो ये 4x और 2 का इसमें गुणा होगा तो -12 बराबर 7/9 के पावर 9। अब देखिए पावर पावर अगर बेस समान होते हैं तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो यहां बेस समान है तो घात जुड़ जाएगी, तो जुड़ने का मतलब ये -3 ये -12 में जुड़ जाएगी तो -15 हो जाएगा, तो 7/9 का पावर हो जाएगा 4x-15 और इधर हो जाएगा 7/9 का पावर 9। तो देखिए यहां पर बेस सब समान हो गए, इधर भी 7/9 और इधर भी 7/9, तो इनके पावर जो है सेम हो जाएंगे, पावर भी इनके बराबर हो जाएंगे, यानी 4x-15=9। देखिए ये जब इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा तो 4x=15 और 9=24 होता है और x बराबर हो जाएगा 24/4 और 4×6=24, तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो इसका ऑप्शन है 2 यानी x=6 आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और नए तरीके का क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया है कि एक छाता 2 विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़ों को सील कर बनाया गया है, प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अंग्रेजी में दिया है कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाई स्टिचिंग 10 ट्रेंगुलर पीसेज ऑफ क्लोथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, इच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, हाउ मच क्लोथ ऑफ इच कलर इज रिक्वायर फॉर अम्ब्रेला। कहने का अर्थ यह है कि जो ये छाता बनाया गया है इसका इसका मतलब क्या है, देखिए ये छाता बनाया गया है तो इसमें अलग अलग पीसेज ये लगाई गई, तो अगर ये पीस रेड है सपोज और 2 रंग में लगाया गया है, तो अगर ये रेड है और ये व्हाइट है, ये रेड होगी और ये व्हाइट होगी, यानी एक के बाद एक छोड़ करके, तो कुल अगर 10 इसमें ट्रेंगुलर लगे हैं, यानी 10 त्रिभुज छोटे छोटे लगे हैं, ये देखिए इस तरह के 10 त्रिभुज लगे हैं, तो और ये पूरा 10 त्रिभुजों से छाता बना है, इसका अर्थ है कि 5 जो त्रिभुज होंगे, 1, 2, 3, 4 और एक और त्रिभुज आप जोड़ लीजिए, 5 जो त्रिभुज होंगे वो 10 में से 5 तो एक कलर के होंगे और 5 दूसरे कलर के होंगे, तो हम लोगों को अगर हम ये 5 का निकाल लें क्षेत्रफल जो कि इसमें पूछ रहा है कि कपड़ा कितना लगेगा, तो इस छाता को बनाने के लिए एक कलर के कपड़ा कितना लगेगा, तो हम एक कलर के कपड़े का क्षेत्रफल अगर प्राप्त कर लेंगे, एरिया प्राप्त कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसे एरिया कैसे प्राप्त करेंगे, तो आइए इसको ठीक से समझते हैं। देखिए यहां पर जो दिया हुआ है कि ये जो कपड़े हैं वो कपड़े एक समबाहु त्रिभुज में दिए गए हैं, तो हम एक कपड़े की स्ट्रिप को ऐसे लिख देख लिए कि एक कपड़े का टुकड़ा ऐसा है और ये 50 दिया है और ये 50 दिया है और ये जो साइड है ये पूरी 20 है, ये पूरी 20 है, तो इसमें हम चाहते क्या है, ये देखिए जब 2 साइड इक्वल होती हैं तो ये समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज से जब सामने की भुजा पर लंब डालते हैं तो इस पूरी भुजा को 2 भाग में बांट देता है, तो ये 2 भाग में बंट गया, तो ये 20 है तो ये कितना कितना का हो गया, ये 20 है तो 10 ये हो गया और 10 ये हो गया। अब देखिए आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए, तो एक ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है समकोण जिसमें कर्ण 50 है और उसका आधार 10 है, तो ये कितना हो जाएगा इस हाइट को, यानी हम एच कहें तो एच बराबर हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 25, 100 में से
100 निकाल देंगे तो ये बच जाएगा 2400। 2400 को क्या लिख सकते हैं, 24 गुणे 100 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए h, ये h स्क्वायर है तो ये h स्क्वायर की वैल्यू है तो h बराबर हो गया अंडर रूट 24 गुणे 100। ये देखिए 100 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो 10 हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा 4 गुणे 6 यानी 4 छके 24, तो ये हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा तो ये 20 अंडर रूट 6 बचा, 20 अंडर रूट 6 इसकी हाइट आ गई। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 यहां पर बेस देखिए 20 है और हाइट क्या आ गई 20 रूट 6 आ गई। तो ये देखिए ये 2 से काट देंगे 10 बार में तो ये 200 हो जाएगा अंडर रूट 6। तो ये 200 अंडर रूट 6 तो एक जो ये टुकड़ा है कपड़े का, एक टुकड़ा, इस टुकड़े का क्षेत्रफल है। और एक कलर के लिए 5 टुकड़े लगेंगे यानी इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 200 अंडर रूट 6 तो ये हो जाएगा 1000 रूट 6। तो एक कलर के जो कपड़ा लगेगा वो 1000 रूट 6 वर्ग मीटर लगेगा। तो इसका आंसर यहां पर देखिए 1000 रूट 6 वर्ग मीटर दिया, यानी ऑप्शन 2 सही है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है कि एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो निम्नलिखित में से क्या सही है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए सी बराबर 1, बी बराबर सी, ए बराबर बी और ए बराबर सी, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए इसको देखते हैं मूल क्या होते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है तो इसके दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि एक मूल दूसरे मूल का रेसिप्रोकल है। तो अगर एक मूल हम अल्फा मानते हैं तो इसका दूसरा मूल 1/अल्फा होगा। तो जो दो मूलों का योग होता है यानी वो अल्फा प्लस 1/अल्फा यानी अल्फा और बीटा होता है तो मूलों का योग -b/a होता है। और मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा 1/अल्फा इंटू 1/अल्फा यानी अल्फा बीटा जो होता है वो c/a होता है। तो ये दिया है अल्फा, अल्फा देखिए कट गया तो c बराबर यहां पर a आ गया और यही हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन रिलेशन सही है। तो a बराबर c इसका ऑप्शन सही है यानी ऑप्शन 4 इसका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कि एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए जो धन है, धन को हम लोग अमाउंट कहते हैं, अमाउंट यानी मिश्र धन मूल धन और ब्याज के योग के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष में वह मूल धन अपने का दूना हो जाता है। तो देखिए अपने का दूना यानी जो मूल धन ये पी है ये 2p हो जाएगा, ये तभी बात संभव है कि ये पी प्लस पी हो यानी जो ब्याज हो, ये जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाए तभी ये 10 वर्ष में ये 2p यानी ये जो मिश्र धन है वो मूलधन का दोगुना हो पाएगा। तो ब्याज बराबर हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि जो SI होता है यानी सिंपल ब्याज होता है वो ब्याज बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, मूलधन यानी पी गुणे दर यानी आर इंटू टाइम यानी समय बटा 100, ये ब्याज होता है, ब्याज निकालने का सूत्र है वो भी साधारण ब्याज। तो ये साधारण ब्याज कितना हो जाए यानी पी के मूलधन के ही बराबर हो जाए तो पी गुणे आर गुणे टी दिया है 10 साल और ये है 100। तो ये पी से ये पी कट गया और 10 से ये 100 कट गया 10 बार में तो आर बराबर आ गया 10%। तो इसका आंसर होगा 10%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यदि त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त का केंद्र ओ हो और
बीओसी बराबर 110 डिग्री तो बीएसी का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है एबीसी। अंतःवृत्त कैसे बनता है? अंतःवृत्त त्रिभुजों के जो ये कोण हैं, इनके कोण अर्धकों के यानी एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अंतःवृत्त बनता है। तो ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो बी है, बी का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये ओबी जो है इस बी कोण का कोण अर्धक है और ओसी जो है कोण सी का कोण अर्धक है। तो ये दिया हुआ है कि एबीसी का अंतः केंद्र ओ है, यानी ये अंतः केंद्र हो गया। बीओसी बीओसी ये दिया है कि 110 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि बीएसी यानी ये एंगल क्या होगा, यानी कोण ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, जब अंतः कोण समद्विभाजक होता है किसी भी ट्रायंगल में, अंतः कोण कोणों का समद्विभाजक इस तरह से बना रहता है, तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है कि कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई टू, ये जो कोण है सामने वाला, इसके ऊपर जो कोण है उसी का आधा और 90 में जोड़ करके ये कोण मिलता है। ये कोण आपको दिया है 110 डिग्री, ये 90 है, और ये कोण ए आपको निकालना है, कोण ए बाई टू ये निकालना है। तो ये 90 जब इधर आएगा तो 110 में से 90 माइनस हो जाएगा और यहां बचेगा कोण ए बाई टू। तो देखिए, ये 11 में से 9 निकलेगा तो 2 बचेगा और ये कोण ए बाई टू है, तो ये 2 इधर गुणा हो जाएगा तो कोण ए बराबर 40 डिग्री। तो ए का मान 40 डिग्री आ गया, जो कि इसका आंसर 4 सही है, यानी 4 ऑप्शन इसका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो संख्या क्या होगी। इफ 75 इज एडेड इनटू 75% ऑफ ए नंबर गेट्स द नंबर देन दैट नंबर विल बी। तो अगर हम लोग इस नंबर को x मान लें कि ये वही x संख्या है x, तो x का 75%, x का 75% कितना होगा, तो x गुणे 75 अपान 100, इसको काट देंगे 25 या 75, 25 सौ के 100, तो x का 75% 3x बाई 4 होगा। अब कह रहा है कि उसके 75% में 75 जोड़कर वही संख्या मिल जाती है, यानी 3x अपान 4 में 75 जोड़ा जाए तो वो संख्या यानी x ही मिल गई। अब इसे हल करना है। तो देखिए, ये 3x और ये 75 में गुणा करेंगे तो 4 5 20 और 4 7 28 2 30, ये 300 और ये 4x हो गया। जब 3x को हम इधर ले जाएंगे तो x हो जाएगा और ये 300 या 4x माइनस 3x, तो यहां से x बराबर क्या आ गया 300, तो वो संख्या क्या होगी 300 होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि 2 के पावर 50, 3 के पावर 40, 4 के पावर 30 तथा 5 के पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर एमांग द 2 के पावर 50, 3 के पावर 40, 4 के पावर 30 एंड 5 के पावर 20 इज। ऑप्शन दिया है 4 के पावर 30, 5 के पावर 20, 3 के पावर 50 एंड 3 के पावर 40। देखिए, जब आपको दिया जाता है कि कोई संख्या ऐसे दी 2, 3, 5, 7, तो पूछे कि इसमें कौन बड़ी संख्या है, तो बड़ा आसानी से आप कह देंगे कि 7 सबसे बड़ी है और 2 सबसे छोटी है। लेकिन जब आपको संख्या पावर्स में दी हो, यानी 2 के पावर 50 दिया हो, 3 के पावर 40 दिया हो, 4 के पावर 30 हो और 5 के पावर 20 हो, तब इसमें कौन संख्या बड़ी होगी ये बताना बहुत कठिन काम है, आसानी से हम बता नहीं सकते। तो इसके लिए कंसेप्ट है, वो मेन चीज। कंसेप्ट क्या है कि इन सारी संख्याओं के पावर सेम करिए। पावर सेम कैसे होगा, तो यहां बहुत आसान सा दिख रहा है कि अगर हम 2 के पावर
इस 50 को 5 गुणे 10 लिख दें और 3 के पावर इस 40 को 4 गुणे 10 लिख दें और 4 के पावर 30 को ये 3 गुणे 10 लिख दें और 5 के पावर 20 को 2 गुणे 10 लिख दें। तो आप ये देखिए, यहां 10 सम में आ गया, आप देख लीजिए। अब ये जो 5 है इसके अंदर कर दें, यानी 2 के पावर 5 का पावर 10, 3 के पावर 4 का पावर 10, 4 के पावर 3 का पावर 10 और 5 के पावर 2 के पावर 10। अब देखिए सभी के पावर्स बराबर हो गए, इसके अंदर जो संख्याएं हैं वो अब ऐसे दिखेंगे। 2 के पावर 5 यानी 32, 32 के पावर 10, 3 के पावर 4 यानी 81, 81 के पावर 10, 4 के पावर 3 यानी 64, 64 के पावर 10 और 5 के पावर 2 यानी 25, 25 के पावर 10। अब यहां पर देखिए, अगर सभी संख्याओं के पावर सेम हो तो उसमें जो बड़ी संख्या होती है यानी 81 सबसे बड़ी है तो यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि सबके पावर सेम है तो 81 का पावर 10 करेंगे तो बड़ी संख्या होगी, 32 के पावर 10 करेंगे तो छोटी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या 3 के पावर 40 है, तो इसका ऑप्शन 4 सही, 3 के पावर 40 सबसे बड़ी संख्या होगी। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है कि एबी एक वृत्त का व्यास है, एबीसीडी उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण ए सी डी बराबर 40 डिग्री हो तो कोण बी ए डी का माप क्या होगा। ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल एंड ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन दैट इफ ए सी डी एंगल ए सी डी इक्वल टू 40 डिग्री देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी इज। ऑप्शंस दिए हैं 80 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक वृत्त हम लोग बनाते हैं और ये वृत्त का व्यास, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो ए बी है और ये एक वृत्त का व्यास है जिसका सेंटर ओ हम मान लेते हैं। ए बी सी डी उसके भीतर एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं? जिसके चारों शीर्ष, चारों वर्टिक्स सर्किल के सर्कम सेंटर पर होते हैं, यानी सर्किल वृत्त के परिधि पर होते हैं। तो ये कैसा हो सकता है? तो ये इस तरह का चक्रीय चित्रभुज हो सकता है। देखिए खींचने में थोड़ी लाइन टेढ़ी हो जाती है, इसे मैं सीधा कर लेता हूं। तो अब इसको हम लोग ए बी और इसे सी और इसे डी कहें, ए बी सी डी हो गया। कोण ए सी डी, ए सी डी यानी ये बनाया गया, ए सी डी बराबर 40 डिग्री, यानी ये जो कोण है ये 40 डिग्री दिया ए सी डी। तो बी ए डी का माप क्या होगा? बी ए डी यानी ये कोण पूछा जा रहा है जिसको मैं डबल लाइन से दिखा रहा हूं। तो देखिए एक चीज आपको यह समझना होगा कि किसी भी अर्धवृत्त में जो त्रिभुज बनता है, जैसे ये अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त में जो भी त्रिभुज बनेगा ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर क्या है कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री ये और 40 डिग्री ये, तो 130 डिग्री का ये हो गया, ये दोनों मिलाकर पूरा पूरा जो कोण C है, डी सी बी कहिए, ये पूरा 130 डिग्री का हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये 90 डिग्री है और इसमें 40 डिग्री हमने और ऐड कर दिया। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज में, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में फ्रंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये पूरा 130 हो गया, ये पूरा 130 हो गया, अगर ये 130 हो गया तो इसके सामने का कोण ये है, तो ये कितना होना चाहिए? ये 50 डिग्री होना चाहिए ताकि इन दोनों का सम 180 डिग्री हो सके। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 3 सही होगा, क्योंकि ये 50 डिग्री तभी होगा।
क्वेश्चन नंबर 105 में दिया है कि यदि 0 बराबर और छोटा है x से और x बराबर या छोटा है 5 से तथा 5 y जो है 5 के छोटा और बराबर है, 5 जो है y से छोटा या बराबर है और 10 जो है y से बराबर और बड़ा है, तब x by y का अधिकतम मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 एंड 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू y एंड y इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन y विल बी। तो ऑप्शंस दिए 1 by 2, 2, 0 और 1। तो इसमें हम लोग देखिए ये खुद कह दिया है कि x की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू मैक्सिमम 5 हो सकती है और मिनिमम 5 और मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। जो x है इसका मैक्सिमम मैक्सिमम 5 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है x की। थोड़ा मैं इसे ठीक से बना लेता हूं। इसमें ये कह रहा है जो ये x है इसकी दो वैल्यू होंगी, मैक्सिमम और मिनिमम। तो x मिनिमम यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है और सबसे बड़ी वैल्यू 5 के बराबर हो सकती है। इसी तरह से y जो है, y इसकी भी दो वैल्यू होगी, मैक्सिमम और मिनिमम। तो x की सबसे छोटी वैल्यू वो 5 के बराबर हो सकती है और सबसे बड़ी वैल्यू 10 के बराबर हो सकती है। तो देखिए इसका जो x का जो मैक्सिमम है वो y का मिनिमम है और यहां पर x by y दिया है, x by y। तो अगर y को अब पूछ रहा है कि इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो इसकी वैल्यू बड़ी तब होगी जब y का मान छोटा हो। x by y जो ये फ्रैक्शन है इसका वैल्यू बड़ी तब होगी जब उसका हर छोटा यानी जो डिनोमिनेटर है ये छोटा हो। तो y सबसे छोटा क्या हो सकता है, तो y सबसे छोटा 5 हो सकता है और x सबसे बड़ा क्या हो सकता है, तो x सबसे बड़ा 5 हो सकता है। यानी x by y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर आप x को 10 ले लेंगे और वाई को 5 लेंगे मैक्सिमम और वाई को अगर 10 ले लिया तो 1/2 हो जाएगी वैल्यू, जबकि आपसे अधिकतम वैल्यू पूछ रहा है, तो अधिकतम वैल्यू इसकी 1 होगी। तो ऑप्शन 1 सही है, 4 सही है, जिसका मैं आंसर दिया है 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में दिया है कि एक बेलन, अर्धगोला तथा शंकु जिनके आधार और ऊंचाई एक समान है, आधार और ऊंचाई, उनके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। यहां अनुपात दिया है 1/√3 √2 √2 √2 √2 √1 √3 √3 √1। ए सिलेंडर, ए हेमी स्पेयर एंड ए कोन इज हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट, दियर एरिया ऑफ कर्व सरफेस आर इन द रेशियो, क्या होगा, ये दिया है। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक बेलन दिया है और एक अर्धगोला दिया है। और एक शंकु दिया है, ये कौन है। और खास बात क्या है कि इन सभी का जो रेडियस है, रेडियस और इनकी ऊंचाई वो सब एक बराबर है। तो अगर रेडियस को हम लोग आर कहें तो ये भी आर होगा और इधर भी आर होगा, क्योंकि ये व्यास होता है तो ये दोनों आर, इसमें भी ये आर है और इसकी ये भी आर है। तो गोले में, गोले का आधा पार्ट है तो दोनों ये त्रिज्याएं बराबर होंगी। इस शंकु में भी क्या है कि इसकी, इसका बेस यानी रेडियस सेम है और इसकी हाइट भी सेम है। तो ये तीन तरह के सॉलिड ये शेप्स हैं, जिसमें एक सिलेंडर है, ये हेमी स्फीयर है और ये कोन है। इनके वक्रीय पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होती है 2 पाई आर एच और आधा गोले का होगा
टू पाई आर स्क्वायर, और ये जो शंकु होता है उसका होता है पाई आर एल। ये इसके वक्र पृष्ठ है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया के ये फार्मूले होंगे। अब देखिए इसमें जो एल है वो एल क्या चीज है ये जान लिया जाए। तो ये तिर्यक ऊंचाई यानी स्लेंट हाइट बोलते हैं इसको, और ये एल बराबर होता है अंडर रूट ये हाइट और रेडियस के स्क्वायर के। तो यहां दोनों केस में आर ही है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो टू आर स्क्वायर होगा, तो आर एक बाहर आ जाएगा, तो आर रूट टू इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई। तो अब यहां पर जो h है वो भी r के बराबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अब लिख सकते हैं 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि h भी r के बराबर है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 पाई r स्क्वायर ही रहेगा, यहां पाई और r l की जगह पर r अंडर रूट टू है और r यहां पहले से है, तो r स्क्वायर अंडर रूट टू आ गया। अब इसमें देखिए पाई सब जगह है तो पाई को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर सब जगह है तो आर स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। अब यहां से दो बचा और यहां से भी दो बचा और यहां से अंडर रूट टू बचा। अब देखिए एक तो उत्तर यही आ जाता है, लेकिन उत्तर इस रूप में दिया नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर हम इसमें अंडर रूट टू से गुणा कर दें तो ये टू अंडर रूट टू होगा, ये भी टू अंडर रूट टू होगा, और ये अंडर रूट टू मिल करके क्या हो जाता है, दो हो जाता है। अब देखिए दो हर जगह आ गया, तो जब दो हर जगह आ गया तो इसको हम लोग काट देंगे कि ये दो यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो ये यहां पर कट करके अंडर रूट टू बचा और यहां भी अंडर रूट टू बचा और यहां क्या बचा, वन बचा। ये आंसर आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थ्री। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 107 नंबर का है कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपए हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कास्ट प्राइस यहां पूछ रहा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन 50% लॉस एंड 15% गेन इज 450 रुपीज देन द कास्ट प्राइस इज, ये ऑप्शंस दिए गए हैं 2000, 2200, 1200, 1500। तो देखिए इसमें क्या दिया, हम इसको आपको ऐसे समझाते हैं, यहां पर कास्ट प्राइस हानि हम लोग इस साइड मान रहे हैं, तो मान लीजिए कि हानि 15% और यहां पर लाभ हुआ है 15%, ये प्रॉफिट हुआ है और ये लॉस हुआ है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये गैप कितने का है, 15 प्लस 15 यानी 30% का गैप है। क्यों भाई, ये 15% जो हानि हुई है, अगर मान लीजिए कि 15 रुपया है और ये भी 15 रुपया है, तो 15 रुपये की हानि हुई है, तो जब 15 रुपया लाएंगे तो अभी कास्ट प्राइस के बराबर होगा, फिर 15 रुपया जोड़ेंगे तब जाके इसके बराबर होगा, यानी इन दोनों के बीच में 30% का गैप है, अंतर है, और इसको हम लोग गैप समझें या इसका डिफरेंस समझें 30% का, और ये जो कास्ट प्राइस है वो 100% और इनके बीच में जो लॉस और प्रॉफिट है इनके बीच का जो अंतर है डिफरेंस है वो 30% आ रहा, और ये दिया है रुपए में 450, यानी 30% बराबर है, इक्वलेंट है 450 रुपए के, तो 100% हमको निकालना है, तो 100% इक्वलेंट हो जाएगा 100 × 450/30। देखिए 15 × 30 और 15 × 3 = 45 और ये कट करके 15 हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया 1500 रुपया, तो कास्ट प्राइस क्या आ गई 1500 रुपया, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 दिया है कि यदि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री हो तब कोण एबीसी के बारे में सत्य, त्रिभुज एबीसी के बारे में सत्य कथन है, इसमें से क्या सही है। इफ ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल सच दैट एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री देन द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एबीसी इज,
इसमें पूछ रहा है कि अगर एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें बी जो है 90 डिग्री है, तो हम लोग त्रिभुज बना लिए ए बी सी और बी जो है 90 डिग्री और ये एक समद्विबाह त्रिभुज है, तो इसका मतलब कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी ए बी साइड इक्वल है बी सी के, ये बात। और ये बी जो है 90 डिग्री है, तो ये एक समकोण त्रिभुज भी हो गया, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसकी दो साइड इक्वल है, यानी ये साथ साथ आइसोसेलिस ट्रायंगल भी है। तो पूछ रहा है कि इसमें क्या बातें सही होंगी, तो बातें क्या सही होती हैं, ये अगर एक समकोण त्रिभुज है तो एसी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, उसके लंब के स्क्वायर के यानी ए बी स्क्वायर के, और उसके आधार के स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ जो ए बी है और बी सी है ये दोनों बराबर हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी जो है ए बी के बराबर है, ये 2 ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए दिया है ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए बी स्क्वायर, ये विकल्प जो है इसका सही होगा, 2 ए सी स्क्वायर नहीं होगा, ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए बी स्क्वायर के होगा, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं ए बी और बी सी सेम है, बराबर है, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 109 में दिया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5 भाग m मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये वृत्ताकार पथ और इस वृत्ताकार पथ का कोई, मान लीजिए कि ये जो पार्ट है इसको हम ए बी मान लें, ये ए बी पार्ट जो है पूरे पार्ट का 4/5, पूरे का 4/5, यानी अगर पूरे को हम एक माने तो एक का ये 4/5 है। इस दूरी को तय करने में एक व्यक्ति को एम मिनट लगता है, तो ये तो एक ही नियम पर है कि चूंकि 4/5 भाग तय करने में एम मिनट लगता है, तो एक भाग तय करने में यानी पूरा भाग तय करने में क्या होगा, तो 1 × m/4/5 और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/4 m यानी 5/4 मिनट लगेगा। तो 5/4 मिनट आप देखिए 5/4 मिनट, ये जो पूरी दूरी है उसका m मिनट में तय करता है, तो कितना टाइम लगेगा, 5/4 m, m वो समय है और मिनट, मिनट यहाँ पर आप हिंदी में लिख लीजिए नहीं तो दोनों में कंफ्यूजन होगा, जो समय है वो 5/4 मिनट लगेगा, तो 5/4 m मिनट, ये इसका सही आंसर होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 दिया है कि यदि x प्लस वाई बराबर 2z तो x अपान x माइनस जेड प्लस जेड अपान वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। इफ x प्लस वाई बराबर इक्वल टू 2z देन द वैल्यू ऑफ x बाई एक्स माइनस जेड प्लस जेड बाई वाई माइनस जेड इज क्या होगा। तो देखिए पहला जो इक्वेशन दिया है कि x प्लस वाई बराबर 2z, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसी वैल्यू हम लोग इसकी रखेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हम अगर x को 0 रख दें और y को 2 रखें और यहां पर 2 × z को 1 रखें, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। तो x बराबर 0, y बराबर 2 और z बराबर 1 इसमें रख दिया जाए, किसमें, x अपान x माइनस जेड प्लस जेड अपान y माइनस जेड में। देखिए x को हम लोगों ने 0 रखा है और किस 0 में किसी संख्या से भाग देने पर क्या आता है, 0 ही आता है। यहां पर z बराबर 1 लिया है और y बराबर 2 और माइनस 1, तो ये आ जाता है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड से सबसे आसान तरीका है कि आप इस तरह से इसको निकालें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन हाउ मच परसेंटेज इंक्रीजेज इट इन इट्स लेटरल एरिया। तो गोला है, गोले के ये गोला है, गोले की त्रिज्या में जो इसकी रेडियस होती है उसमें वृद्धि की गई है। तो गोले का जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया का जो क्षेत्रफल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो 4πr² के बराबर होता है। अब यहां पर देखिए r में इंक्रीजमेंट किया गया है, r बढ़ाया गया है और वो कितना बढ़ाया गया है, 50% बढ़ाया गया। तो इसमें ये एक कांस्टेंट टर्म है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, असर जो पड़ेगा वो r पर पड़ेगा क्योंकि r रेडियस है। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक फार्मूला बड़ा कॉमन है कि इफेक्टिव परसेंटेज क्या होता है अगर दो चीजें बढ़ाई घटाई जाए, तो इसका फार्मूला होता है m+n+m × n/100। ये फार्मूला होता है इफेक्टिव परसेंटेज निकालने का। m और n की वैल्यू अगर बढ़ने पर प्लस और घटने पर माइनस ली जाती है, तो यहां बढ़ाने की बात की गई है। तो m इस केस में m और n दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों r हैं, r यहां पर है त्रिज्या है और इसी को बढ़ाया गया है, तो r² है इसलिए m और n दोनों बराबर माने जाएंगे। यानी r + r × r/100 ये चीज लिखनी है। तो देखिए ये 2r हो जाएगा और ये r² / 100 हो गया। तो यहां पर 2r का मतलब r 50 के बराबर है तो ये 100 हो गया, r² यानी 50 का स्क्वायर 2500/100, तो ये देखिए कट गया, तो ये 100+25 ये आ गया 125 यानी 125% उसके लेटरल सरफेस एरिया में इंक्रीजमेंट हो जाएगा यानी बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि रेखाएं x = 1 और y = 1 के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या है। द क्वारनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन x = 1 एंड लाइन y = 1 इज क्या होगा। देखिए एक क्वारनेट सिस्टम हम लोग बना लें, ये हमारा क्वारनेट सिस्टम है जिसमें ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, ये जीरो है और इधर जो है x- होता है और इधर अरे y- होता है और इस साइड में x- होता है। तो इसमें एक लाइन खींची गई है x = 1 यानी ये x = इसको हम लोग 1 मान लें, तो x = 1 लाइन इस टाइप से होगी, ये वाई एक्स के पैरेलल होती है, ये x = 1 है ये लाइन। और दूसरी लाइन खींची गई है y = 1 यानी ये जो डिस्टेंस है इतनी ही, ये 1 डिस्टेंस पर एक दूसरी लाइन खींची गई है इसको हम लोग कहते हैं y = 1। ये लाइन y = 1 है और ये लाइन x = 1 है और दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप देखिए दोनों यहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका क्वारनेट बताना है। तो ये क्वारनेट कैसे बताते हैं, जो एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी और वाई एक्सिस पर चली गई दूरी, तो दोनों पर 1 और 1 दूरी चली गई है यानी काटी गई है, इसलिए इसका क्वारनेट 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 इसका पहला ही ऑप्शन है, तो इसका पहला ऑप्शन 1 ही सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 113 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 5 और 3 है तो संख्याएं ज्ञात करो। देखिए समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन ये होती है, अर्थमेटिक मीन होती है a+b/2 यानी ये दो एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, इन दोनों का आधा अर्थमेटिक मीन होती है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, इन दोनों संख्याओं का अंडर रूट। तो इसमें दिया है कि ये 5 है और इसको दिया है कि ये 3 है, तो a+b ये हो गया 10 और ab अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो ab ये हो गया 9। तो आप बताइए कि कौन ऐसी संख्या है, दो ऐसी संख्याएं खोजिए जिनका योग 10 हो और उनका गुणनफल 9 हो। तो अगर हम a = 9 ले लें और b = 1 ले लें तो 9 × 1 = 10 और 9 × 1 = 9।
यहां पर हमको 9 बराबर ए बराबर 9 और बी बराबर 1 लेने पर काम हमारा बन गया। तो इसमें आंसर क्या होगा 4, 9 और 1। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल पाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स इज 27:64, देन द रेशियो ऑफ दियर टोटल सरफेस एरिया इज, ये पूछ रहा है। तो देखिए, अगर ये दो घन है, घन को हम लोग क्यूब नंबर एक कहें जिसकी एक साइड ए है, और दूसरा घन क्यूब नंबर दो कहें जिसकी एक साइड बी है, तो इनके इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगी यानी वी वन अपान वी टू, वॉल्यूम इसका हो जाएगा ए क्यूब और वॉल्यूम दूसरे घन का हो जाएगा बी क्यूब, क्योंकि घनों का जो आयतन होता है भुजाओं के घन होते हैं। तो ये क्यूब ये दिया है 27 और ये दिया है 64, ये क्यूब है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल क्यूब, और इधर भी क्यूब है, तो इसका मतलब कि यहां से a बाई बी आ गया 3/4, और इनका जो टोटल सरफेस एरिया होती है, सरफेस एरिया नंबर एक वो घन का और सरफेस एरिया नंबर टू, तो ये होता है 6a² और ये होता है 6b², उनके भुजाओं के वर्ग के 6 गुना होता है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में सारे फ्लक्स यानी सारे फेसेज ले लिए जाते हैं। तो यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं ए 6 6, देखिए कट जाएगा, तो यहां पर ये 6 नहीं लिखेंगे, ए प्लस ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो ए बाई बी यहां से 3/4 आया है, तो 3/4 का होल वर्ग करेंगे तो 9/16 आ गया। तो इनके सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो 9/16 होगा, यानी ऑप्शन नंबर एक सही है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम ट्रिक से भी लगा सकते हैं और फार्मूला यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे व्याख्यात्मक हल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताता हूं, जिनको फार्मूला नहीं भी याद है तो वो कैसे करेंगे। तो x^4 + 1/x^4 = 14 दिया है, और x³+1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है, वो भी यहाँ कई वैल्यूज दी गई हैं और ये इनके ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x^4 + 1/x^4 = 14 दिया है। तो हम लोग अगर x² + 1/x² का होल स्क्वायर कर दें तो हमको मिलता है x^4 1/x^4, हम यहां गलत लिख दी, 1/x^4 और 2 × 1/x^4 × x^4 होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ दो ही केवल बचेगा, तो ये x^4 + 1/x^4 यहाँ दो बचा। तो यहाँ देखिए ये 14 दिया है और ये 2 है, तो ये दोनों मिलकर 16 हो गया यानी 6 हो गया, 16 हो गया। तो x^2 1/x² का होल पावर आ गया 16, तो x^2 + 1/x² = हम लोग लिख सकते हैं 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x + 1/x² और यहां पर लिख सकते हैं x² + 1/x² + यहां पर देखिए 2 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको हम सही थोड़ा कर दें, तो इसकी जगह पर देखिए हम 4 लिख सकते हैं और ये है 2, तो ये मिलकर के 6 हो गया, और ये x² 1/x की वैल्यू जब हम लिखेंगे x/1/x + 1/x की वैल्यू, तो ये √6 हो जाएगा। अब हमको जो निकालना है कि x³+1/x³, तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला हम यूज करेंगे, वो फार्मूला होता है x³+1/x³। अगर ये x+1/x = a दिया रहता है तो यहाँ पर a³ - 3a हो जाता है, तो √6 का हम लोग क्यूब कर देंगे यानी ये पूरा होल क्यूब हो जाएगा, और -3√6।
तो देखिए ये अंडर रूट सिक्स, ये यहां से क्यूब अंदर जाएगा तो अंडर रूट सिक्स बचेगा और एक छह बाहर हमारा आ जाएगा, तो सिक्स अंडर रूट ये हो जाएगा सिक्स अंडर रूट सिक्स माइनस थ्री अंडर रूट सिक्स, तो सिक्स में से थ्री अंडर रूट सिक्स निकल जाएगा तो ये बचेगा सिक्स अंडर रूट नहीं थ्री अंडर रूट सिक्स बचेगा यहां पर, थ्री अंडर रूट सिक्स बच गया, यानी जो वैल्यू आई एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वो आ गई सिक्स अंडर रूट थ्री, नहीं फिर हम यहां गलत लिख रहे हैं, ये वैल्यू आ गई थ्री अंडर रूट सिक्स। अब थ्री अंडर रूट सिक्स, एक तो ये ए सही है, दूसरा अगर हम इसमें अंडर रूट सिक्स से गुणा कर दें नीचे ऊपर, तो ये अंडर रूट सिक्स से गुणा करेंगे तो ये छह हो जाएगा, तो ये छह और नीचे अंडर रूट सिक्स आ जाएगा, तो ये अठारह अंडर रूट सिक्स, तो ये वाली भी वैल्यू सही है। अगर ये जो थ्री है इसको अंदर हम लोग ले गए, अंदर अगर हम लोग इसे कर दें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये अंदर जाएगा तो नौ हो जाएगा, नौ बटा सॉरी देखिए ये जो नाइन इंटू टू बाई थ्री है, नाइन इंटू अंडर रूट टू बाई थ्री, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक तीन यहां रहने दें और दूसरे तीन को इसके अंदर ले जाएंगे तो नाइन हो जाएगा, तो टू बाई थ्री और ये नाइन हो जाएगा, तो ये थ्री से थ्री टाइम में कट गया तो ये दो तिहाई छह, फिर ये थ्री अंडर रूट सिक्स आ जाएगा, तो ये सी वाला भी आंसर सही है और ए बी सी इसका आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर तीन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 116। यदि पेड़ पर बैठी बी वन बी टू बी थ्री तीन प्रकार की चिड़ियों में तीन संबंधे सात संबंधे पांच का अनुपात हो तथा चिड़ियों बी टू की संख्या चिड़ियों बी वन की संख्या में अंतर नौ और सात के गुणज की कोई संख्या भी हो तब पेड़ पर बैठी चिड़ियों की कम से कम संख्या कितनी है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये अलग अलग बी वन बी टू और बी थ्री ये तीन अलग अलग चिड़ियाएं हैं जिनके संख्या का जो रेशियो दिया है तीन संबंधे सात संबंधे पांच दिया है, तो ये तो रेशियो है, अगर हम इसमें एक्स का गुणा कर देंगे तो ये संख्या में बदल जाता है, तो ये थ्री एक्स सेवन एक्स और ये फाइव एक्स हो गया। अब दिया है कि बी टू और यहां पर दिया है कि बी टू और बी वन की संख्या में जो अंतर है, तो बी टू और बी वन की संख्या में देखिए सात एक्स माइनस थ्री एक्स ये हो गया फोर एक्स का अंतर है, ये जो अंतर है वो नौ और सात के गुणज की कोई संख्या है, यानी ऐसी संख्या है जो नौ और सात की एक गुणज है यानी मल्टीपल हो, तो नौ और सात की कोई संख्या यहां पर मिले तब जाकर के ये होगा, तो नौ और सात दोनों की जो गुणज होगी वो सबसे छोटी संख्या तिरसठ है, तो इसका मतलब कि यहां पर जो संख्या मिलेगी वो ऐसी संख्या मिले जो नौ और सात की गुणज हो और वो चार से चार उसमें गुणा है, तो संख्या क्या हो जाएगी देखिए इसमें चार का गुणा करेंगे तो चार से भी वो कटने वाली संख्या होनी चाहिए, तो चार तिहाई बारह चार छके चौबीस एक पच्चीस, तो सात सौ बावन ये हो गया, ये जो सात सौ बावन है ये चार एक्स के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये जो अंतर है यही पूछ रहा है, सात सौ दो सौ बावन कह रहे हैं सात सौ बावन कह रहे हैं, ये दो सौ बावन जो है यही नौ और सात से कटने वाली संख्या है यानी नौ और सात का मल्टीपल है ये, तो x बराबर यहां से आ जाएगा चार छके चौबीस और चार तीन बारह यानी x यहां तिरसठ आ गया, तो अब हर अलग अलग चिड़ियाओं की संख्या निकाल लेंगे, तो देखिए बी वन की संख्या कितनी है, बी वन की संख्या है थ्री एक्स, तो तीन गुणे तिरसठ और ये हो जाएगा तीन तिहाई नौ और तीन छके अठारह एक सौ नवासी आ गया, बी टू की संख्या कितनी है, बी टू सात एक्स है तो ये सात गुणे तिरसठ, इसको हम लोग लिखेंगे
3 21 2 7 6 42 और 42 2 44 ये 441 आ गया। और B3 की जो संख्या आएगी वो आएगी 5x यानी 5 × 63 और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30 और 1 × 1 = 3 = 15 आ गई। अब सारी चिड़ियों की मिनिमम संख्या पूछ रहा है तो हम लोग इनकी संख्या जोड़ सकते हैं तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा। पहली का 189 आया, B1 का, B2 का 441 आया और B3 का 315 आया। तो ये संख्या हम लोग जोड़ लेंगे तो 9 × 5 = 14 = 15 हासिल 1, 8 × 4 = 12 + 13 = 14 और 4 × 3 = 7 + 8 = 9। 945 उनकी मिनिमम संख्या हो रही है तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, 945। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में दिया है कि यदि 2 − √3 ⁄ −1 हो तब x³ − 2x² − 7x + 5 की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। तो देखिए जो ये x है, x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो आएगा। तो x की वैल्यू दिया है, ये माइनस वन का मतलब होता है 1/2 − √3। अब इसको माइनस ये नीचे से हटाना है तो 2 + √3 से हम लोग गुणा कर दें ऊपर नीचे, 2 + √3 और नीचे भी 2 + √3। तो देखिए ऊपर आ जाएगा 2 + √3 और नीचे आ जाएगा 4 − 3, ये हो गया। तो ये 2 + √3, एक्स की वैल्यू को अब हम लोग लिख सकते हैं 2 + √3। अगर एक्स स्क्वायर की इसको स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है यानी ए का स्क्वायर यानी ये 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर यानी 3 और ये प्लस होगा यहाँ +2 √2 × 4 √3 हो जाएगा, 2 ये है और 2 उसमें आता है तो 4 √3। तो ये हो जाएगा 7 √3। अब हम लोग देखिए ये 2 + √3 का वर्ग किए तो 2 का वर्ग किए तो 4, √3 का वर्ग किए तो 3 और 2ab होता है 2ab तो 2 और 2 मिलकर 4 √3। तो अब इस वैल्यू को जो एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू आई है हम यहां पर रखेंगे तो देखिए ये एक्स क्यूब है तो हम अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा −2 और ये −7x + 5। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू के एक्स की वैल्यू हम लोग रखेंगे, एक्स की वैल्यू आई है 2 + √3, 2 + √3 −2 ये दिया है और ये 7x की जगह पर 2 + √3 लिखेंगे और +5। तो ये देखिए ये रूट अरे ये 2 और 2 कट गया तो यहां पर बच गया √3 x² और ये माइनस देखिए ये कट गुणा होगा तो ये 14 हो जाएगा और −7√3 और प्लस ये 5। तो ये 5 में से 14 ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √3 x² और −7√3 और ये इधर आ जाएगा तो −9। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रख देंगे, 7 + 4 √3 आया है तो इसकी जगह पर लिख देंगे 7 + 4√3 −7√3 − 9। तो इसे गुणा करेंगे तो देखिए ये 7√3 + √3 का इसमें गुणा होगा तो 3 हो जाएगा तो ये 12 हो गया और 7√3 और −9 तो ये दोनों कट जाएंगे और 12 में से 9 निकल गया, 3 बचा तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 118, 10³ a + a एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो a में कम से कम अंकों की संख्या क्या होगी, ये बताना है। इफ 10³ a + a इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन a इज 4, ऑप्शन दिया है, अनडिटरमाइंड दिया है और 2 दिया है और 3 दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से YouTube चैनलों पर गलत बताया जा रहा है, अनडिटरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए ये 10³ a + a ये a से गुणा है इस संख्या में तो a अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 10³ + 1
और 10 के पावर क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 1000, इसको आप लिख सकते हैं 1001, आपने 1 इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए जो 1001 है ये 7 × 11 × 13 इसका फैक्टर होगा, तो ये संख्या 7 × 11 × 13 हो गई, तो a इंटू ये एक संख्या मिली, मैं बार बार गलत लिख रहा हूं, ये एक संख्या मिली 1001। अब पूछ रहा है कि अगर ये संख्या वर्ग है तो ये जो a है इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए अगर ये वर्ग है ये चेक करना है कि ये संख्या वर्ग है कि नहीं, तो ये संख्या वर्ग नहीं है, क्यों, क्योंकि जो संख्याएं वर्ग होती हैं उनके अंकों का योग या तो 1 आता है या तो 4 आता है या तो 7 आता है या तो 9 आता है, जो संख्याएं वर्ग होती हैं, तो ये वर्ग नहीं है ये पता चल गया क्योंकि इसके अंकों का योग 2 आ रहा है। तो अगर इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर होना है तो 1001 यानी a क्या होना पड़ेगा, a को भी 1001 होना पड़ेगा, तो 1001 में कितने अंक हैं, तो 4 अंक हैं, तो इस संख्या के सही उत्तर क्या होगा, एक ऑप्शन होगा, यानी इसमें अंकों की संख्या 4 होगी, देखिए 1 2 3 4, तो अंकों की संख्या इसमें कितनी आ गई, 4 आ गई, जबकि बहुत से YouTube पर जो इसका आंसर बताया जा रहा है वो अनिश्चित बताया जा रहा है जो कि वो गलत है, आपने इसे क्लियर कट यहाँ समझ लिया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में दिया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है और 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 था, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये अनुपात पूछ रहा है। देखिए पिता के लिए हम लोग एफ का यूज करें और पुत्र के लिए एस यानी सम, तो 8 साल पहले इनकी उम्र के बीच 12:1 का अनुपात था, तो अगर हम इसे रियल उम्र में बदलें तो इसमें x का गुणा कर दें और यहां x का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 8 वर्तमान में ये उम्र 68 वर्ष है और 8 वर्ष पहले की ये उम्र है, तो इसमें 8 साल जोड़ दें और यहां भी 8 साल जोड़ दें लड़के वाले में भी, तो देखिए 12x और x मिलके 13x और ये 16, तो 13x प्लस 16 ये 68 वर्ष के बराबर हो जाएगा, तो 13x बराबर 68 में से देखिए 16 निकल जाएगा, तो 8 में से 6 गया 2 और 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, तो x बराबर यहां आ गया 4। तो पिता की उम्र हो गई, देखिए पिता की उम्र क्या हो गई, पिता की उम्र हो गई 12 × 48 वर्ष और पुत्र की उम्र हो गई 4 वर्ष, और ये 8 वर्ष पहले की उम्र है, तो इसमें जो है 8 वर्ष हम लोग और जोड़ देंगे तो ये वर्तमान उम्र हो जाएगी, तो 48 में 8 जोड़ दिए तो 8 16 और 4 × 1 = 5 56 साल हो गया, और इसमें ये 12 साल, अब ये वर्तमान उम्र आ गई, वर्तमान 4 वर्ष बाद की उम्र पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें हम 4 साल और जोड़ दें यहां और 4 साल यहां जोड़ दें, तो 56 × 4 = 60 वर्ष और 12 × 4 = 16 वर्ष, तो पुत्र की 4 साल बाद 16 साल और पिता की जो है 60 साल होगी, इसे 4 से काट देंगे तो 4 × 16 और 15 × 60 यानी 15 × 4 का अनुपात इनके 4 साल बाद उम्र में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab इंटू एक्स माइनस 1 के मूलों का व्युत्क्रम योग है। देखिए मूल के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, और जब ये इक्वेशन होता है तो अगर इनके अल्फा और बीटा दो मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अब इस चीज को हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदलेंगे, इस रूप में बदलेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहां पर क्या आएगा, तो देखिए ये ए बी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है और इसको हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab को हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर,
इंटू एक्स माइनस, देखिए इसका गुणा अब इसमें होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब पूरे चीज को इस साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और ये जब इस साइड में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये जीरो हो गया। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर का ये कोफिशियंट है और एक्स का कोफिशियंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये सी ये है, यानी ये बी है और ये पूरा ए है जो हमारे इक्वेशन में आता है, ये ए यहाँ वाला नहीं है तो आपको कंफ्यूजन होगा ये बी मानने पर। तो हम लोग इसे अल्फा प्लस बीटा, अगर इसके दो मूल हैं और इसमें दिया है तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस के साथ बी बाई ए होती है तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी। अब ये पूछ रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग आपको बताना है, यानी वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए हो गई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी, और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू आ गई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी। ये दोनों एक ही हैं तो ये पूरा दोनों कट जाएंगे तो ये बचेगा वन, तो इसका आंसर आ गया वन, यानी ऑप्शन नंबर थ्री सही है। तो मित्रों मैंने इस वीडियो में, हालांकि ये काफी लंबी वीडियो हो गई इसलिए कि मैं आपको पूरा इसका एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ये क्वेश्चन अगर लगेगा तो कैसे लगेगा, क्या क्या प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है, तो मैं ज्यादा समय होने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि ये सॉल्यूशन आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी वाली चीजें लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।